अल्लाह मिन शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरा नाम हुसैन अहमद है और मैं हूँ आपका मैथमेटिक्स के टीचर। हमने 9th क्लास के लेक्चर सीरीज का आगाज किया हुआ है और हमने एक्सरसाइज 1.3 को शुरू किया। आज हमने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करना है। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि ए हमारे पास हो 1-2, 3, 4 का मैट्रिक्स और बी हमारे पास हो 0, 7, -3 और 8 का मैट्रिक्स, तो फाइंड, तो हमने तलाश करनी है, तो ढूंढना है इसकी वैल्यू ढूंढना है। इसके दो पार्ट है। पहला पार्ट है 3a-2b और दूसरा पार्ट है 2a का ट्रांसपोज -3b का। ये सवाल शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है, ये अक्सर पेपर में आ जाते हैं, लिहाजा ध्यान से समझेंगे। 3a हमने क्या करना है, हमने सिर्फ और सिर्फ जो जो सी वैल्यू है ए और बी, हमने उन वैल्यू को रिप्लेस कर देना है उनकी वैल्यू अवेलेबल जो हमें दी गई है उन वैल्यूज के साथ। 3 ऐसे लिख देंगे, ए को रिप्लेस कर देंगे हम उसकी वैल्यू के साथ। ए की वैल्यू क्या अवेलेबल है हमारे पास, 3, 1, 3, -2 और 4, -2 ऐसे लिखेंगे और बी की वैल्यू क्या है, 0, -3, 7। नेक्स्ट क्या करना है, इस 3 को अंदर अवेलेबल हर एलिमेंट के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम इस 2 को इसके अंदर मौजूद हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और आपस में इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हमने बार बार सीखा है, मैं इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 3 1 -3, -2 6, 3 9, 3 4। इसी तरह -2 को हर वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 0, 2 7 14, -2 -3 6, 2 8 16। यहाँ पे अभी हमने इसको माइनस से लिखा, लेकिन अभी हमने माइनस से इसको सॉल्व नहीं किया क्योंकि हम अगले स्टेप पे करेंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने का रूल वही है, जब दो मैट्रिक्स जिनके ऑर्डर सेम हो उनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो लिहाजा दोनों के मैट्रिक्स सेम है तो आपस में माइनस करते हैं। माइनस करने का तरीका हमने बार बार सीख लिया है कि फर्स्ट एलिमेंट के साथ फर्स्ट, सेकंड के साथ सेकंड, थर्ड के साथ थर्ड, फोर्थ के साथ फोर्थ को सब्ट्रैक्ट। 3 -0, -6, -14, 9 -6, and 12 -16। अब इनको सॉल्व करते हैं। 3 -0, 3 -6, -14, -20, 9 -6, or 12 -16, -2। फाइनली हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 as it is, -20 as it is, 9 में 6 को ऐड किया 15, 4 -2। फाइनली हमारे पास इसका आंसर आ गया। मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 2 के जाने। पार्ट नंबर 2 में कहता है ये कि तू a का ट्रांसपोज -3b का ट्रांसपोज। तो हमने क्या करना है, 2 को ऐसे इसके तरह लेंगे, a का ट्रांसपोज की वैल्यू तो अवेलेबल हमारे पास नहीं है, हमें यहाँ पास a की वैल्यू अवेलेबल है, तो हम a की वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पे 1, 3, -2 और 4 और इसके ऊपर स्मॉल टी यानी ट्रांसपोज का डाल देंगे, यानी कि हमें इसका भी ट्रांसपोज फाइंड करना है। -3 बी की वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं 0, -3, 7 और 8 और इसके ऊपर हम ट्रांसपोज डाल देंगे। इसको दो तरीकों से किया जा सकता है, आप पहले ए का ट्रांसपोज फाइंड कर लें अलग से, फिर बी का ट्रांसपोज फाइंड कर लें अलग से, फिर ए के ट्रांसपोज को 2 से मल्टीप्लाई करें, फिर बी के ट्रांसपोज के आंसर को 3 से मल्टीप्लाई करें, फिर दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करें। मैंने यहाँ पे एक थोड़ा सा शॉर्ट पे किया, मैंने ए की वैल्यू को लिख दिया यहाँ पे ट्रांसपोज का साइन डाल दिया, बी की वैल्यू को लिख दिया यहाँ पे ट्रांसपोज का साइन डाल दिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ट्रांसपोज ले लूँगा इसका, यहाँ पे ट्रांसपोज ले लूँगा, फिर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूँगा, पहले 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, देन इसको 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपस में सब्ट्रैक्ट कर दूँगा। पहले मैं काम ये करूँगा इसका ट्रांसपोज लेता हूँ, ट्रांसपोज लेने का तरीका ये होता है कि रोज को हम कॉलम में चेंज कर देंगे, 1 -2 इधर आ गया, रोज से कॉलम बन गई, 3 और 4 इधर आ गए, -3 as it is,
जीरो और सेवन इधर आ गया और माइनस थ्री और एट। नेक्स्ट हम टू से मल्टीप्लाई करते हैं, टू वन जर टू, टू थ्री जर सिक्स, माइनस फोर, टू जर फोर, माइनस फोर, टू फोर जर एट, माइनस थ्री जीरो जर जीरो, थ्री थ्री जर नाइन, माइनस नाइन, थ्री सेवन ट्वेंटी वन, थ्री एट जर ट्वेंटी, इस इक्वल को माइनस कर देते हैं। यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये फर्स्ट एलिमेंट के साथ फर्स्ट को माइनस करेंगे, टू माइनस जीरो देन सिक्स माइनस माइनस नाइन देन माइनस फोर माइनस ट्वेंटी वन देन एट माइनस ट्वेंटी। फाइनली इसको सॉल्व करते हैं, टू माइनस जीरो टू सिक्स, इसको अगर मैं डायरेक्टली कर दूँ अब क्योंकि अब हमारे प्रैक्टिस कितनी हो गई है तो माइनस माइनस दस, सिक्स माइनस को ऐड किया फिफ्टी। देखिए मैंने क्या किया, इस माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ पे सिक्स प्लस नाइन हो जाएगा, सिक्स में नाइन को ऐड किया फिफ्टी। इसी तरीके से माइनस माइनस प्लस, अब बड़ा सेंस तो माइनस का तो माइनस आ जाएगा, फोर में ट्वेंटी वन को ऐड किया ट्वेंटी फाइव, माइनस ट्वेंटी फाइव एट माइनस ट्वेंटी फोर, प्लस माइनस माइनस बड़ा साइन माइनस का तो माइनस आ जाएगा, एट में से ट्वेंटी फोर निकाला सिक्सटी। तो हमारे पास इसका आंसर मूव करते हैं पार्ट नंबर सेवन। पार्ट नंबर सेवन बी पेपर में शोर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अहमियत का हामिल है। कहता ही है कि इफ ए इफ टू मैट्रिक्स टू फोर माइनस थ्री ए प्लस थ्री मैट्रिक्स वन बी एट माइनस फोर बराबर हो सेवन टेन एटीन वन एट मैट्रिक्स, तो फाइंड करनी है हमने वैल्यू ए और बी, हमने ए और बी की वैल्यू को फाइंड। अब इसका तरीका सॉल्व करने का क्या है, अब देखिए क्या आपको ये एक मैट्रिक्स, ये पूरा एक मैट्रिक्स है, एक एक्सप्रेशन है और ये एक एक्सप्रेशन एक एक मैट्रिक्स है, इन दोनों के बीच में क्या ये इक्वल का साइन नजर आ रहा है? अगर आपको इक्वल का साइन नजर आ रहा है इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर होंगे। और जब गौर करें हमने इक्वल मैट्रिक्स की क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि दो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स होती हैं अगर दोनों के ऑर्डर सेम हो और दोनों के अंदर मौजूद एलिमेंट सेम, तो यही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा है दो मैट्रिक्स है, लेकिन ये दो मैट्रिक्स अलग अलग नहीं एक ही है, क्यों? क्योंकि बीच में प्लस का साइन लगा है। तो हम पहले इस लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं, राइट हैंड साइड को ऐसे दिखाया जाता है। जब हम इसको एक्सप्रेशन को एक में कन्वर्ट कर लेंगे देन मैं आपको बताऊंगा उस पॉइंट चल के आपको क्या करना है। तो इसका स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन का स्टार्ट करते हैं। कहता है टू मैट्रिक्स को मैं इधर सॉल्व लेता हूँ, टू माइनस थ्री फोर ए प्लस थ्री 1 8 b minus 4 that is equal to 7 18 10 to 1। अब मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूं, कैसे होगा? बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे होगा जैसे जो हमने यहां पे किया। इस 2 को इस हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इस 3 को हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दूंगा, देन आपस में ऐड कर दूंगा। तो 2 जा 4, तो 4 जा 8 प्लस माइनस माइनस टू थ्री जर सिक्स। अब ये देखिए ये है वेरिएबल ए और ये है कॉन्स्टेंट टू, जब टू ए से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर आता है टू ए प्लस थ्री वन जर थ्री। अब इससे जब थ्री को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा थ्री बी प्लस थ्री एट जर ट्वेंटी फोर माइनस थ्री फोर जर ट्वेल्व दैट इज इक्वल टू सेवन एटीन 10 4। यहां पे इक्वल निकाल देंगे क्योंकि इस सवाल में एक तरह इक्वल आता है। अब हम दोनों को आपस में ऐड कर देते हैं क्योंकि ये ऐड हो सकते हैं दोनों 2 बाय 2 के मैट्रिक्स। 4 में प्लस करेंगे 3, इस तरह 8 में प्लस करेंगे 3b, इधर लेंगे सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ होगा फर्स्ट प्लस के साथ होगा, माइनस 6 में प्लस कर देंगे 24 और 2a में प्लस कर देंगे माइनस फोर। मैंने ब्रैकेट लगा, मैंने आपको बताया है कि जो दो साइन प्लस माइनस के इकट्ठे नहीं लिख सकते। सीक्वल टू सेवन एटीन टेन। अब हम इनको ऐड करते हैं, फोर प्लस थ्री सेवन, एट प्लस थ्री बी एज इज रहेगा क्योंकि बी थ्री टू थ्री बी एट हमारे पास वेरिएबल है और एक कॉन्स्टेंट है, वेरिएबल कॉन्स्टेंट के अंदर ऐड नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस सिक्स प्लस
24 दैट इज इक्वल टू 80 और हमारे पास 2a प्लस माइनस माइनस देखिए 2a भी 12 के अंदर ऐड नहीं हो सकता इज इक्वल टू 7 18 10 और जी मैंने आपको सवाल के शुरू में बताया था कि जब मैं इस इक्वल वाले पॉइंट पहुंचूंगा तो मैं आपको बताऊंगा देखिए ये दो मैट्रिक्स कन्वर्ट होगा हमारे पास एक सिंगल एक मैट्रिक्स है तो ये इंडिविजुअल सिंगल एक मैट्रिक्स चल रहा है अब इन दोनों के बीच में क्या साइन नजर आ रहा है इक्वल का साइन नजर आ रहा है ये इक्वल का साइन हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर है यानी कि अगर ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर है तो दोनों के ऑर्डर भी सेम होंगे जैसे कि आपको नजर आ रहा है ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है ये भी 2x2 का मैट्रिक्स है और इनमें मौजूद एलिमेंट्स भी सेम होंगे अब ये इससे पहला एलिमेंट 7 इस 7 के इक्वल है इसी तरीके से इसका थर्ड एलिमेंट देखिए 18 इस 18 के इक्वल है अगर इस 7 इस 7 के इक्वल है और 18 के इक्वल है तो इसका मतलब ये है कि 8 3b भी 10 के इक्वल होंगे क्योंकि ये इक्वल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी के अंदर शामिल है इसी तरीके से 2a माइनस 12b 1 के इक्वल होगा यहीं से हम इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं हम लिखेंगे 8 plus 3b that is equal to 10 so 3b that is equal to 10 minus 8 क्योंकि a plus 8 दरा के minus 8 हो गया हमने constant की तरफ कर लिया 3b that is equal to 2 8 में से 10 निकाल के आया बस 8 निकाला 2 और 3 का मल्टीप्लाई करके डिवाइड b that is equal to 2 over 3 लो जी हमने a और b की वैल्यू निकाल लेते हैं मतलब b की वैल्यू तो आ पहली कामयाबी हमें अब यहीं से हम a की वैल्यू को भी निकालेंगे 2a minus 12 that is equal to 1 इसी तरह हम a की वैल्यू को भी फाइंड करेंगे 2a minus 12 that is equal to 1 2a that is equal to 1 plus 12 12 इधर माइनस करके प्लस हो जाएगा और 2a that is equal to 30 and a is equal to 30 over ये हमारे पास a का वैल्यू तो हमने a और b की वैल्यू को फाइंड करना था जो कि हमने फाइंड कर ली अगर आपने चेक करना हो कौन से d का या नहीं तो आप इसी इक्वेशन के अंदर b की वैल्यू को पुट करें इसके अंदर तो आपके पास ये 10 इक्वल आएगा यहां पे a की वैल्यू को पुट करें आपके पास ये 1 निकलेगा ये हमारा आज का लेक्चर उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी फिर भी किसी किस्म का कोई सवाल हो परेशानी तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मैं इंशाल्लाह उस सवाल का जवाब दूंगा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अल्लाह हाफिज़